कोलकाता पुलिस की एक ऐसी करतूत आज आपको, यानी जो ऐसी करतूत है पुलिस की, वो आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे, जिसे सुनने और देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर खाकी की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उसने एक बेकसूर को कसूरवार ठहरा दिया। वजह सुनेंगे और पुलिस की करतूत और मनमानी देखकर आप चौंक जाएंगे। ऐसा कई सवाल है ऐसे जिसका जवाब ना तो एटा पुलिस के पास है, ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी के पास है। पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद सुनाएंगे आपको पूरे मामले को लेकर एटा के सीईओ का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनवाएंगे। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए कैसे रस्सी का सांप बनाने की कोशिश एटा पुलिस ने की है। न खाता न बही, जो एटा पुलिस कहे वही सही। बेकसूर को अपराधी बनाने का कर डाला कारनामा। छोटों ने की कारस्तानी, बड़े कर रहे मनमानी। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। अब तो बेकसूर पर रहम करो हुजूर। खाकी की एक ऐसी तस्वीर जिसने इंसानियत और मानवता को तार तार कर दिया है। मामला ऐसा है कि जिसने पुलिस कर्मियों की पोल खोल कर रख दी है। खाकी ने एक आम इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करता है, उसको कानून के दांव पेच में ऐसा उलझाया है कि उसके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। मामला 17 अक्टूबर को एटा के थाना पिलुआ से जुड़ा हुआ है, जहां एक सड़क दुर्घटना का पेच इस कदर उलझा है कि बात एक मासूम की जान पर बनाई है। आप जब सारी हकीकत सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके होश उड़ जाएंगे, सोचेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर खाकी इतनी शर्मसार करने वाली हरकत कैसे कर सकती है। पीड़ित शासन प्रशासन से लेकर सीएम योगी तक मदद और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जबरन फंसा दिया है, मैंने नया ट्रैक्टर निकाला था 17 तारीख को शाम के करीब 8:40 के करीब गांव पे घर पे पहुंचा हूं। वैसे मेरा ट्रैक्टर जब्त कर लिया है और क्यों पकड़ लिया? किसी और के ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है और मेरा ट्रैक्टर दिखा दिया है। कहां पर एक्सीडेंट हुआ था? मेरे गांव के पास मारा रोड पर कुछ रंजिश होगी, इसलिए मेरा ट्रैक्टर का नाम लिया है। मैं नया ट्रैक्टर उसी दिन निकाला है मैंने एजेंसी से, और मेरे ट्रैक्टर का नाम लग दिया होगा, मेरा ट्रैक्टर पकड़वा दिया है। एक्सीडेंट क्या बजे हुआ था? एक्सीडेंट 6 बजे दिखाया है। पहले जरा मामले को समझिए। वादी लाल सिंह जो रामपुरिया नंगला चौकी नदराई जिला कासगंज का रहने वाला है, वो करीब शाम 6 बजे ट्रैक्टर बाइक की टक्कर में अपनी पत्नी गिरजा देवी की मृत्यु के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराता है और कई तथ्यों को छुपाता है। इस सड़क हादसे में पत्नी गिरजा देवी की हुई मौत मामले में खुद को फंसता देख लाल सिंह ने घटना के समय टेम्पो से हादसा होना बताया है, जबकि सच्चाई इस दर्ज रिपोर्ट से कोसों दूर है। सड़क हादसे के समय दंपति लाल सिंह व उसकी पत्नी गिरजा देवी बाइक पर सवार था और दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। अब इसका सबूत और गवाह भी दिखाएंगे और सुनाएंगे। पुलिस की गाड़ी 112 सूचना पर 6:25 पर पहुंची। पुलिस कर्मियों द्वारा अपने रजिस्टर में बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत दिखाया गया। बाइक और ट्रैक्टर टकराने से महिला की मौत होना बताया गया। पुलिस रजिस्टर में अंकित घटना का विवरण की छाया प्रति पर भी जरा गौर कीजिएगा, सारा सच समझ आ जाएगा और पुलिस की सारी करतूत से खुद ही पर्दा उठ जाएगा। मामले की जानकारी होने पर भाजपा विधायक बीरेन सिंह मौके पर पहुंचे थे और मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने भी बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत होना बताया। कैलाश का ट्रैक्टर गलती से फंसाया गया है, उनका ट्रैक्टर नहीं था, हमारे गांव के बराबर में एक्सीडेंट हुआ था, वो जॉनडियर ट्रैक्टर से हुआ, संजू की गाड़ी से। पुलिस ने अचानक जा करके मतलब वहाँ उनकी FIR इनके नाम कैलाश के नाम कर दी, करवा दी लोगों ने, और करवाने के बाद में ट्रैक्टर रात को 10 बजे ले गए। तो किसी की साजिश है क्या? हाँ, साजिश है गाँव वालों की। दरअसल पुलिस ने कैलाश जो कि खड़गपुर थाना पिलुआ का रहने वाला है, कैलाश का ट्रैक्टर इस पुलिस हादसे के बाद उठाकर लेकर चली गई। पुलिस ने उनके घर से लाकर ट्रैक्टर थाने में खड़ा कर दिया, जो कि खड़गपुर के तेजपाल सिंह के बताने पर लाया गया है। ये पुलिस रिपोर्ट में साफ दर्ज है, इसके पीछे की वजह है तेजपाल सिंह और कैलाश से प्रतिद्वंदिता। इस मामले का जांच अधिकारी दरोगा अवधेश कुमार ये पूरा खेल रच रहा है, उसकी आँच में कैलाश की जिंदगी और खुशियाँ सुलगती जा रही है। दरोगा अवधेश कुमार ने दूसरे पद से मिली भगत करके जान बूझ कर ये खेल किया।
खड़गपुर ग्राम प्रधान अवधेश यादव ने इस बारे में बताया था, जब दरोगा ने विवेचना में दुर्घटना में शामिल असली ट्रैक्टर को दर्ज करने की बात कही थी। इसका सबूत है प्रतिवादी ग्राम प्रधान और दरोगा के बीच हुई बातचीत की ऑडियो क्लिप। ट्रैक्टर ले गए थाने, ट्रैक्टर थाने ले जाएगी तेरे की? दोनों ले जाओ, दोनों मेरा बाबू ले जाओ। नहीं मेरी कह रहा ले जाएगी प्रधान जी, मेरी कह रहा ले जाएगी। हाँ तो जिन्हें बागों तो देख लो पहले। हाँ ने बात कर ली उनसे आगे। हाँ प्रधान जी, ये कह रहे इसका ट्रैक्टर हम लिए जा रहे हैं और क्यों, सुनो भाई सुनो, क्योंकि ट्रैक्टर इसी को उन्होंने लिखवाया है और विवेचना जब हमें मिलेगी तो 2-3 दिन के बाद साहब से कंसल्टमेंट करके इसका ट्रैक्टर हम रिलीज कर देंगे। उस ट्रैक्टर को हम ले लेंगे अपनी गिरफ्त में, दूसरा वाला जो है ठीक है, और जो भी संभव मदद होगी हम लोग करेंगे। ठीक है ठीक है, अब देख लियो जाए, कोई दिक्कत ना हो। कतई नहीं प्रधान, एक मिनट हमारी सुनो, जब तुमसे मैंने कह दिया, तुम इतने दिन हो गए, 4-6 महीने हो ही गए मैं तुम्हारे संपर्क में, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए और जो मेरी तरफ से मदद होगी। लेकिन ठीक है जाको ले जाओ, लेकिन बाघो अभी देख तो ले जाएंगे। हम बिल्कुल देख लेंगे, हम जांच में उसका लेके आएंगे भाई, क्यों परेशान। ठीक है तो आप बाघ को तो एक बार देख लो जाए। बिल्कुल देख लेंगे, देखो भाई। ठीक अभी देख रहे, ठीक ठीक ठीक। सुनो सुनो, अब हम जाके मारे हूं न जाओ चाहते हैं, क्योंकि अब ये फिर जो दूसरे देखने जाए फिर भी अपनी जुगाड़ लगाने लगे हैं। कुछ नहीं, हमें लाना है विवेचना तो लाना है भाई, बाकी का ऑपरेशन। ठीक है ठीक ठीक है, ठीक है लाइन आपने लिखवा दो तो कोई दिक्कत थोड़ी। ठीक 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 ठीक, जिन दे दो ले जा रहे हैं मिल जाऊंगा। ठीक हां ठीक है, दे दो नहीं। ठीक है ठीक ठीक ठीक। सच्चाई ये है कि इस मामले में दारोगा अवधेश कुमार ने सब कुछ जानकर भी ईमानदारी से मामले की जांच न करके एक निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया और अनुचित लाभ के लिए निर्दोष युवक का ही उत्पीड़न हो रहा है। जबकि पूरा मामला ये है कि हादसा इसी गांव के एक किसान के हरे रंग के ट्रैक्टर से हुआ था, लेकिन उनके व्यवसायिक प्रतिद्वंदी होने के कारण उस ग्रामीण ने पुलिस से मिलकर कैलाश का ट्रैक्टर उठवा दिया। एक आम इंसान जब परेशान होता है तो सबसे ज्यादा खाकी पर ही विश्वास करता है, उसे विश्वास होता है कि खाकी इंसाफ करेगी और उसकी रक्षा करेगी। प्रशासन से गुहार है कि निर्दोष युवक का उत्पीड़न न करके यथाशीघ्र उसका ट्रैक्टर अवमुक्त कर असली ट्रैक्टर और आरोपी पर कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। और इसी मामले को लेकर न्यूज वन इंडिया के भी कई सवाल हैं। सवाल सबसे बड़ा ये कि FIR और 112 नंबर की रिपोर्ट में आखिर अंतर क्यों है? जब हादसे बाइक और ट्रैक्टर से हुआ हादसा जो है बाइक और ट्रैक्टर से हुआ था तो रिपोर्ट में पैदल होने का जिक्र क्यों है? सवाल ये भी अहम है कि पुलिस ने किस वजह से सबूत बदले हैं? आखिर एटा की पुलिस किस आधार पर दूसरे ट्रैक्टर को उठाकर ले गई और हादसे के वक्त पुलिस ने मौके से दूसरे ट्रैक्टर की जगह नए ट्रैक्टर को क्यों जब्त किया? ये अहम सवाल है। मामले की जांच अधिकारी यानी जो दारोगा है, दारोगा ने साक्ष्य को क्यों छुपाया? सवाल ये भी है। पुलिस ने किस आधार पर पीड़ित का ट्रैक्टर जब्त किया और आखिर कब मिलेगा पीड़ित को न्याय? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ है। निशांत, जब भी कोई पीड़ित पुलिस के पास जाता है तो उसे ये उम्मीद होती है कि उसके साथ इंसाफ होगा, लेकिन यहां तो पुलिस ने ही खेल कर दिया। एक जो व्यक्ति है उसी को फंसा दिया, रस्सी का सांप बनाने का काम जो है वो एटा पुलिस कर रही है क्या? देखिए राजेश, एक मुहावरा आपने सुना होगा कि रस्सी का सांप कैसे बनाया जाता है। हालांकि एटा पुलिस ने सिद्ध कर दिया है कि जिस तरीके से देखा जाए एक बेकसूर को किस तरीके से फंसाया जाता है। हालांकि जो दंपत्ति होती है वो अपने पति के साथ होती है, बाइक सवार होती है और उस दौरान उस ट्रैक्टर से हादसा होता है। सबसे बड़ी बात यह रहती है राजेश कि उस हादसे के दौरान जो है एक नए ट्रैक्टर को फंसाया जाता है। उस दौरान जो है उसे 1 घंटे बाद जो है एजेंसी से लेकर नए ट्रैक्टर को घर लेकर व्यक्ति जो कहीं ना कहीं वो लेकर पहुंचता है। हालांकि उस ट्रैक्टर को नए ट्रैक्टर को फंसा दिया जाता है और जिस ट्रैक्टर से हादसा होता है उस ट्रैक्टर को कहीं ना कहीं बचाया जाता है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ वन इंडिया के पास
ऐसे सबूत हैं जिन सबूतों को दिखाने के बाद कहीं ना कहीं राजेश एटा पुलिस की जो थाना पिलुआ पुलिस है उसकी पोल खुल जाएगी। जिस तरीके से हम लगातार साक्ष्य दिखा रहे हैं, हमारे पास जब मौके पर जब घटना होती है घटना के दौरान में 112 पुलिस पहुंचती है, 112 पुलिस के पास ये रजिस्टर्ड होता है। उस रजिस्टर में देखिए साफ तौर पर रजिस्टर्ड के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि घटना के दौरान मौके पर 112 पुलिस पहुंचती है। 112 पुलिस जो है 6:00 जो पहुंचती है 6:25 पर पहुंचती है, लगभग 6 बजे की ये घटना होती है। और उसके बाद उसमें कहा जाता है कि मौके पर मौके पर 112 पुलिस पहुंचती है, मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद कहा जाता है कि घटना जो है ट्रैक्टर से बाइक सवार दंपत्ति की घटना हुई है। बाइक सवार जो दंपत्ति जो महिला थी अपने पति के साथ थी और उस समय जो है उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। हालांकि मौके पर जो है काफ़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ के जो स्थानीय जो विधायक होते हैं बीजेपी के वो मौके पर पहुँचते हैं, वहाँ के जो जसमदीद लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को बताते हैं कि बाइक पर थी अपने पति के साथ, पीछे से टक्कर मार दी और इस तरीके की ये घटना हो गई। हालांकि जबकि उसके बाद भी इस मामले को सबसे बड़ी बात है, इस मामले में एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमे में FIR में साफ तौर पर बताया जाता है, जो वादी द्वारा एक तहरीर दी जाती है उसके पति के द्वारा, उस तहरीर में बताया जाता है कि निवेदन है कि प्रार्थी लाल सिंह पुत्र तेजपाल सिंह निवासी जो है रामप्रिय कोतवाली कासगंज जनपद कासगंज का निवासी हूँ, आज दिनांक 17/10/2023 को अपनी ससुराल से वापसी लौट रहा था, वापसी लौट रही थी मेरी पत्नी, उस दौरान जो है मेरी पत्नी की टेम्पू से उतरते दौरान ये घटना हो गई और उस समय मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं जो बाइक से उतरने वाली जो पति के साथ थी और पति के साथ बाइक पर होती है उस समय उस घटना को छुपाया जाता है और इस बात का जिक्र किया जाता है कि वो हादसा जो है टेम्पू से उतरते दौरान पीछे से जो ट्रैक्टर आ रहा था तेज रफ्तार में उस ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हालांकि एक नए ट्रैक्टर को जिस गाड़ी पर नंबर नहीं होते उस ट्रैक्टर को फंसाया जाता है। और मौके पर जब 112 पहुंचती है तो 112 भी यही बात जिक्र करती है कि हमारी ये जो घटना हुई है इस घटना में साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है ये बाइक पर सवार थी और उसका जिक्र किया जाता है। हालांकि जो स्थानीय अखबार न्यूज़पेपर होते हैं जो प्रिंट मीडिया होती है वो प्रिंट मीडिया खुद जो है कहीं ना कहीं इस घटना को साफ तौर पर छापती है, दिखाती है, प्रकाशित करती है और उसमें साफ तौर पर दिखाया जाता है कि ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, महिला की मौत और पति जो है वो बच जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी जिक्र किया जाता है और इसमें कहा जाता है कि थाना पिलो क्षेत्र में गांव गढ़वाल के पास मंगलवार की शाम करीब 6 बजे ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठी महिला गिरजा देवी जिसकी उम्र जो है 35 साल है, निवासी गाँव रामपुरिया थाना जिला कासगंज की है, मौके पर मौत हो गई। बिल्कुल निशान। तो कहीं ना कहीं इन बातों का जिक्र किया जाता है और इन बातों से जो हमारे पास लगातार हम साक्ष्य दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं थाना पिलुआ की पोल खोलकर रख देंगे। जिस तरीके से एक ऑडियो सामने आती है, जो ऑडियो हम अपने दर्शकों को सुना चुके हैं, उस ऑडियो में साफ तौर पर ग्राम प्रधान और जो IU है वो कहीं ना कहीं आपस में बात करते नजर आ रहे हैं, कहते हैं कि मैं इस ट्रैक्टर को लेके जा रहा हूं प्रधान जी और कहीं ना कहीं इस ट्रैक्टर का अब नाम निकाल दूंगा और इस तरीके से इसको रिलीव कर दूंगा और दूसरा ट्रैक्टर ले आऊंगा। तो सब कुछ जानते हुए जो IU है वो अनजान क्यों बन रहे हैं? और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तमाम साक्ष्य आ रहे हैं, हमारी खुद थाना पिलुआ क्षेत्र के जो सदर के जो CEO हैं सुनील कुमार त्यागी, उनसे भी हमारी बात होती है, उनका ये कहना होता है, मैंने जब उनसे पूछा बीते दिन हमारी बात हुई तो उनका मैंने उनसे पूछा कि इस मामले में क्या अपडेट है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उनका कहना होता है कि इस मामले में जो है खुद मौके पर जो है थाना पिलुआ के इंस्पेक्टर पहुंचे थे और दंपत्ति जो है वो बाइक पर सवार थी उस दौरान ये घटना हुई, बाइक पर सवार दंपत्ति की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को सामने आने के बाद जो पीड़ित जो है वो लगातार परेशान है, हमारे पास बिल्कुल अभी कुछ और ऑडियो है, हम वो भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं और फिर आगे आपसे बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे एटा पुलिस जो है इस मामले को लेकर कैसे खेल कर रही है। एक ऑडियो क्लिप हम सुनवाते हैं अपने दर्शकों को और फिर उसके बाद सवाल कई हैं जिनका जवाब तलाशेंगे। सुनील त्यागी जी बात कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ। सर निशांत शर्मा बात कर रहा हूँ न्यूज इंडिया चैनल से हेड ऑफिस से। मामला आपके जानकारी में तो होगा, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। थाना पिलुआ का एक मामला था, बाइक सवार दंपत्ति की जो ट्रैक्टर ने रौंद दिया था, उसमें एक महिला मरी थी ना एक्सीडेंट में, वो मोटरसाइकिल में दो दो एक जेंट्स और एक महिला थी, ट्रैक्टर से कुचली गई थी, वो घटना है 12 वफात के दिन की। हाँ बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं? अब तक क्या अपडेट है? अपडेट उसमें मुकदमा कायम हुआ है, जो वादी है उसने उस ट्रैक्टर का नंबर दिया था, ट्रैक्टर शायद थाने खड़ा है,
विवेचना में ये जानकारी ये मिली थी कि ना कि ट्रैक्टर दूसरा फंसा दिया है, घटना किसी और ट्रैक्टर ने करी थी। उसमें उनसे कहा तो गया, वापस नहीं एविडेंस तो ट्रैक्टर कहाँ से लाए थे। ठीक है सर, मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन सही हो, कोई दिक्कत नहीं है बाकी। वो तो रात का टाइम है, बाइक सही थी। हाँ सुनील, तो देखिए ये वो ऑडियो है निशांत, आपने जो बातचीत की थी वो भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया। और ये मामला जो है वो ये बताता है कि कैसे पुलिस जो है वो कई बार गड़बड़ी करती है। और यहाँ पे तो सब कुछ सामने है, कई ऑडियो क्लिप सामने आए हैं, ग्राम प्रधान और दारोगा के बीच बात हो रही है। राजे सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जब मैंने सीओ सुनील त्यागी, सदर सीओ है, उनको फोन किया तो उनका साफ सीधा यही कहना था कि जो घटना हुई थी वो कहीं ना कहीं 17 अक्टूबर की घटना हुई थी, और उस दौरान जो है बाइक पर सवार थी महिला। तो बाइक पर सवार वाली जो बातें हैं, जो जिक्र सीओ ने खुद मेरी बातचीत के दौरान फोन पर किया और उन्होंने खुद कहा, तो इस बात का जिक्र एफआईआर के अंदर क्यों नहीं किया गया, इस बात को क्यों छुपाया गया, सबसे बड़ी बात तो ये बनती है। दूसरी बात यह होती है कि जब वादी की तहरीर पर अगर जो एफआईआर दर्ज की गई, वादी ने जो लिख कर दी है तहरीर, उस तहरीर में एफआईआर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, हालांकि उस मामले में जो जो आईयू है दरोगा और जो थाना प्रभारी है, उन्होंने कहीं ना कहीं जाँच की जहमत क्यों नहीं उठाई। तीसरी बात यह बनती है कि लगातार जो पीड़ित है, जो बेकसूर जिसको फंसाया गया, वो तमाम तरीके के बार बार आरोप लगा रहा है। खुद वहाँ के जो स्थानीय जो जिले के जो कप्तान हैं, वो उनको भी लिखित में शिकायत दी गई, उनसे मिले भी तमाम, उनके साथ जो है लोग ग्रामीण भी साथ में पहुँचते हैं भारी संख्या में। वो कहीं ना कहीं वो सारी बातें बताते हैं कि पड़ोस के गाँव के ट्रैक्टर ने घटना को अंजाम दिया है, इस ट्रैक्टर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस ट्रैक्टर को फंसाया जाता है। हालांकि तमाम सारी बातें रखी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की जो लापरवाही है, इस मामले में तमाम शिकायतें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पीड़ित द्वारा न्याय मांगने की कोशिश की जा रही है, तमाम जो शिकायतें दी गई हैं। हालांकि इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य जो पुलिस के पास हैं, खुद पुलिस आयु खुद जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या साठगांठ कर ली वादी से, क्यों फंसाया जा रहा है, क्यों कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस व्यक्ति को फंसाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर इन एविडेंसों को देखने के बाद पूरी तरीके से बेकसूर है। और इसमें साफ कहा जाता है कि पिलुआ थाने की पुलिस ने एक बेकसूर को फंसाया, और साफ तौर पर इन बातों से सिद्ध होता है कि रस्सी का सांप कैसे बनाती है खाकी, कैसे बनाती है पुलिस। और सबसे बड़ी बात तो निशांत ये है कि जो जांच अधिकारी है उसने साक्ष्य को छुपाया, तो अहम बात तो ये कि भाई साक्ष्य को छुपाया क्यों गया, इसके पीछे कोई बड़ा खेल हुआ। देखिए तमाम सवाल उठ रहे हैं एटा की पुलिस पर, हालांकि बार बार पुलिस अधिकारी जांच का दावा कर रहे हैं, जांच में अभी तक इन्वेस्टिगेशन सही क्यों नहीं हुई। हालांकि मौके पर स्थानीय जब घटना होती है तो मौके पर भारी संख्या में जनता वहां पर जो है, स्थानीय जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोड जाम करते हैं, और उस दौरान जो स्थानीय विधायक होते हैं वो भी मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जब वो पूछते हैं कि कैसे क्या कुछ घटना हुई, तो उनको भी बताया जाता है कि जो मामला था कहीं ना कहीं बाइक पर महिला जो है अपने पति के साथ थी, और उस दौरान ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, और तकरीबन 6 बजे करीब की घटना होती है, और जिस व्यक्ति को फंसाया गया वो अपना नया ट्रैक्टर लेकर 7 बजकर तकरीबन 40 मिनट पर ट्रैक्टर एजेंसी से लेकर आता है, और उसके बाद ट्रैक्टर में घटना दिखा दी जाती है उस ट्रैक्टर की। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसमें पूरी तरीके से दाल में काला है, और जिन सबूतों को कहीं ना कहीं जो आईयू है, जो वहां के कोतवाल हैं पिलुआ थाने के, वो कहीं ना कहीं सही साक्ष्यों के साथ जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, और साफ तौर पर इनकी लापरवाही देखी जा सकती है, और एक बेकसूर को फंसाने का काम जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन जो अधिकारी है आईयू है उसके द्वारा किया जा रहा है। और निशान बड़ी बात ये भी कि वो शख्स कह रहा है कि मैं नया ट्रैक्टर लेके आया था, हादसा शाम करीब 6-6:30 बजे के आसपास का है, वो ट्रैक्टर 8:30-8 बजे लेके आया, फिर उस ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता है, तो कैसे एक प्लानिंग के तहत एटा पुलिस ने यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि साजिश को रचा और इस शख्स को फंसाने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक की जो चीजें सामने आ रही हैं इशारा यही कर रहे हैं। राजेश एक जानकारी यह भी मिली है कि एकांत जगह में जिस ट्रैक्टर ने घटना को अंजाम दिया उसको बाकायदा खड़ा करा रखा है, तिरपाल उस पर डलाया हुआ है, उसे ढककर खड़ा कराया गया है, बाकायदा उसे बाहर जो रोड पर नहीं निकाला जा रहा, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कहा जा सकता है जो मेन मुलजिम है उसको बचाया जा रहा है, और जो बेकसूर है उसे कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है, और उसकी जो बताया जा रहा है कि वो रात दिन इतना परेशान है, रोटी नहीं खा पा रहा है,
और सीधी साफ बात है कि शरीफ आदमी को फंसाने का काम जो है किस तरीके से किया जा रहा है। एविडेंस जो है खुद आईयू जो एक ऑडियो जो वायरल हुई है उस वायरल ऑडियो से कहीं ना कहीं पुलिस की जानकारी पोल खुलती है और वहां के जो क्षेत्र के अधिकारी जो होते हैं सीओ जो होते हैं वो खुद कहते हैं कि इस तरीके से ये घटना हुई बाइक पर थी दंपत्ति उस दौरान जो घटना हुई और कहीं ना कहीं इस जिक्र जो है FIR में नहीं किया गया। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि मामले को किस तरीके से लीपापोती की जा रही है और किस तरीके से एक व्यक्ति को फंसाने का काम जो है ये सब कुछ सामने। बहुत शुक्रिया निशांत इस मामले की जानकारी के लिए। तो बड़ी बात ये कि आखिर एटा पुलिस ने ये खेल क्यों किया, क्यों किस आधार पर ट्रैक्टर जब्त किया और क्यों साक्ष्य को छुपाया गया। सवाल कई हैं, जवाब आना उनका बाकी है। खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए।